नमस्कार मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच बी एड विशेष शिक्षा कार्य कार्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि अभी कोविड का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है हमारी बहुत सारी समस्याएं अभी निरंतर निर्बाध गति से चल रही हैं क्योंकि सारी समस्याओं को देखते हुए भी हम कुछ करने में अभी अपने आप को सक्षम नहीं बना पा रहे हैं लेकिन हमारा प्रयास है कि हम समस्याओं से ऊपर उठ करके के अपने कुछ शैक्षणिक गतिविधियों को निरंतर रूप से जारी रखने का प्रयास करें ताकि हमारे विद्यार्थियों की जो समस्या है जो जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत करके उनकी उत्सुकताओं की पूर्ति कर सकें इसी क्रम में आज हम आपके बीच बी एड शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित बी एड एस सी जीरो फाइव पेपर लोकोमोटर एवं मल्टीपल डिसेबिलिटी के ब्लॉक वन से यूनिट वन पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं उस उस प्रकरण का नाम है सेरेब्रल पॉलिसी सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सेरेब्रल पॉलिसी है क्या चूँकि आर पी डब्ल्यू डी एक्ट 2016 के अनुसार हमारे दिव्यांगता का जो क्षेत्र है व्यापक विस्तार ले रहा है व्यापक विस्तार के रूप में अग्रसर है अभी हमारे पास 21 डिसेबिलिटी है हो सकता है भविष्य में और भी प्रकार की दिव्यांगता हम खोज पाएँ या फिर हम जान पाएँ या इसमें कह सकते हैं कि हमारे जागरूकता का अभाव है या जागरूकता के कमी के कारण या लोगों के जागरूक न होने के कारण भी अभी हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं चूँकि आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि सेरेबर पॉलिसी तो सेरेबर पॉलिसी भारतीय परिदृश्य में देखें तो हम लोगों के लिए एकदम नया है लेकिन पाश्चात्य परिदृश्य में ये लोगों में जागरूकता हमारी अपेक्षा कुछ ज़्यादा है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सेरेबल पॉलिसी से जो समस्याएं आ रही हैं चाहे इन समस्याओं के कारण जो बच्चों के में उत्पन्न बाधाएं आ रही हैं उसको हम दूर करने में सक्षम हैं हम दूर तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियाँ जरूर कर पा रहे हैं जिससे कि उनके पठन उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्र में उनको सुगमता का आभास कराने में हम अपने आप को सक्षम बना पा रहे हैं चूँकि हम अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान रखें तो हम ये समझ पाते हैं कि आखिर में सरबल पॉलिसी है क्या सबसे पहले इसको जाना किसने तो इसके ऐतिहासिक परिदृष्य पर हम नज़र डालें तो हमको ये समझ में आता है कि 1860 के दशक में एक शल्य चिकित्सक विलियम लिटिल ने प्रमस्तिष्क पक्षाघात का नामकरण किया उसमें उन्होंने ये खोज कर बताया कि बच्चे के जन्म के समय अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चा प्रमस्तिक पक्षाघात का शिकार हो जाता है अध्ययन जारी था अध्ययन के बढ़ते क्रम में सर्वल पाल्सी के और क्या कारण है जिससे कि समस्याएं उत्पन्न हो रही है आगे जाकर के हमारे चिकित्सा क्षेत्र के सिगमन फ्रैड ने इस पर एक फिर शोध करके ये पाया कि प्रमस्तिक पक्षाघात केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि भ्रूण में उत्पन्न संक्रमण के कारण भी होता है इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते गए तो प्रमस्तिक पक्षाघात पर अनेक प्रकार के विचार अनेक प्रकार के शोध अभी जारी हैं लेकिन फिर भी अगर हम समझने का प्रयास करें कि प्रमशिक पक्षाघात होता क्या है प्रशासित पक्षाघात के जो प्रकार हैं वो कितने हैं उन बच्चों को हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं इन बच्चों के बारे में हम कैसे बातचीत कर सकते हैं कैसे इन बच्चों को हम शिक्षित करने में अपने आप को समाहित कर सकते हैं कैसे इन बच्चों के विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं इन सारी बिंदुओं की चर्चा हम करने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रमस्तिक कक्षाघात होता क्या है हम सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसके दोनों शब्द पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेरेब्रल मतलब क्या पॉलिसी मतलब क्या है? तो सेरेब्रल को अगर हम सरल शब्दों में व्याख्यात करने की कोशिश करें तो सेरेब्रल के मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग से है पॉलिसी का मतलब कि मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग में किसी प्रकार की अक्षमता किसी प्रकार की चोट किसी प्रकार की क्षतिग्रस्तता से आशय है लेकिन अगर इस फिगर में जैसा हम समझ पा रहे हैं कि आपके मस्तिष्क से ही सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं सारे कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं तो सेरेबल पाल्सी से जब हम आगे बढ़ के कुछ सोचने के प्रयास करते हैं तो यह कोई रोग नहीं है बल्कि विकास के दौरान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आने वाली विकृति है इसके स्वरूप व्यक्ति का शारीरिक गति व हाव भाव में असामान्य बदलाव आता है यह मानव जीवन के अधिकांश गतिविधि को प्रभावित करता है इससे पीड़ित बच्चे मानसिक मंदता के शिकार हो जाते हैं भाषाई दोष व अधिगम विकृतियाँ उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं 1888 में बर्गिस ने इन सब सारे लक्षणों को सम्मिलित रूप में प्रमस्तिक्ष पक्षाघात का नाम दिया गर्भ शिशु से लेकर के पाँच वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में यह विकृति होने की संभावना अत्यधिक होती है अगर हम अपने पूरी आबादी में प्रमस्तिक पक्षाघात का एक जनसंख्या के रूप में देखें तो पूरी आबादी का 0.15 परसेंट हिस्सा बच्चे सीपी के शिकार हैं इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की जो बच्चे प्रमस्तिक पक्षाघात के शिकार होते हैं उसमें बालिकाओं के अपेक्षा बालक इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं आगे बढ़कर के जब हम इसके कुछ डिफिनीसन्स की बात करते हैं तो इसमें पी डब्ल्यू डी एक्ट नाइनटीन ने सेरेब्रल पाल्सी पॉलिसी से किसी व्यक्ति की अविकसित अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो विकास की प्रसवपूर्ण प्रसवकालीन या बाल अवधि में होने वाला दिमागी आघात या क्षति से परिमाणिक प्रसामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति द्वारा अभिलक्षित होता है क्योंकि हम जो भी परिभाषाओं का गठन करते हैं उस परिभाषाओं के आधार पर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि उसे अगर सामान्य शब्दों में हम समझ कर कहने का प्रयास करें तो एक तरीके का हमारा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आई हुई समस्या के कारण इन सारी गतिविधियों में हमें समस्या होती है लेकिन उससे हम आगे बढ़ कर के हम देखने का प्रयास करते हैं तो और हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि वास्तव में सेरेबल पॉलिसी से और हम क्या आशय लगा सकते हैं तो इसमें अगर हम और देखने का प्रयास करें तो प्रमस्क पक्षाघात एक जटिल एवं अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम तीन वर्षों में हुई मस्तिष्क क्षति के कारण उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं किया जा सकता और न ही यह बढ़ता है इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियों या उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है तो आगे हम बढ़कर के ये देखने का प्रयास करते हैं कि सेरेबल पॉलिसी कितने प्रकार की होती है तो इसको हम थोड़ा सा बांट करके देखें तो हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवेरिटी ऑन द बेसिस ऑफ़ अफेक्टेड लिम ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल इसमें अगर हम पहले पर बात करने की कोशिश करें कि ऑन द बेसिस ऑफ सीरिटी में क्या है तो माइल्ड सेवरल पॉलिसी से क्या आशा है यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्नायुविक एवं शारीरिक गतिरोध बहुत ही कम होता है अर्थात हलन चलन एवं शरीर स्थिति की असामान्यता बहुत कम दिखाई पड़ती है परंतु स्वतंत्र रूप से सीखने एवं करने में समस्या होती है इस अवस्था को अति अल्प मस्तिष्क पक्षाघात वाला बच्चा या व्यक्ति कहा जा सकता है दूसरे में देखते हैं कि मॉडरेट सेबर पॉलिसी ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं तो इन इस प्रकार के बच्चों से अभिप्रेत इस प्रकार है कि जब आपके स्नायु तथा शरीर संबंधी गतिरोध अधिक होता है तथा हलन चलन एवं शरीर स्थिति में असामान्यता दिखाई पड़ती है बच्चे उच्चानुशीलन एवं साधारण उपकरणों की मदद से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य को कर सकते हैं अगले में हम देखते हैं कि सीवियर सेवरल पॉलिसी से क्या आशय है यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का स्नायु तथा तो शरीर संबंधी गतिरोध के साथ साथ विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है एवं शैक्षणिक गैर शैक्षणिक एवं दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के निष्पादन में निर्भरता होती है गंभीर पक्षाघात वाला बालक कहा जाता है इस अवस्था के उपयुक्त सहायक साधनों के बावजूद भी बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अच्छा महसूस करता है आगे बढ़ के हम देखते हैं अगला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड लिम्ब उसमें हम पहला देखते हैं मोनोप्लेजिया यह एक प्रकार का आ, कह सकते हैं कि यह ऐसा है जिसमें ब, बच्चे का एक लिम जो ये आपको ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है ये अफेक्टेड है तो इसमें मोनोप्लेजिया से तात्पर्य है कि बच्चे का एक हाथ प्रभावित होगा चाहे वो दायां हो सकता है बायां हो सकता है चाहे दायां हाथ हो सकता है दायां पैर हो सकता है कोई भी मतलब उसका एक अंग प्रभावित होगा हेमीप्लेजिया में बच्चे का एक हाथ एक पैर चाहे वो दायां हो सकता है चाहे वो बायां हो सकता है कोई भी एक पूरा आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है डाइप्लेजिया में हम देखते हैं कि बच्चे का आधा शरीर चाहे वो ऊपर का हिस्सा हो या फिर नीचे का हिस्सा हो दोनों पार्ट प्रभावित होने के चांसेस बने रहते हैं क्वारडिप्लेजिया में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे का पूरा शरीर ही प्रभावित है इसको और भली प्रकार से हम ये समझने का प्रयास करें कि बच्चे का जैसे ही उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने के कारण उसके अनेक अंगों में किस प्रकार से अक्षमता या एक तरीके के विकृति उत्पन्न हो रही है इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम यह कह पाते हैं कि सेरेबल पॉलिसी में बच्चा किस प्रकार से कहाँ प्रभावित होगा कैसे प्रभावित होगा इसको हम कोई अभी आ, टू दी पॉइंट या दो टुक में नहीं कह सकते कि अगर आपको सेरेबल पॉलिसी है इस प्रकार की सेरेबल पॉलिसी है तो आपका केवल यही अंग प्रभावित होगा या इस अंग से आपको प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है ऐसा अभी कोई रिसर्च में सामने आया नहीं है लेकिन भविष्य में अभी शोध जारी है हो सकता है कि इसको लेकर के लोगों में जागरूकता आए इसको जैसे ही लोग समझने लगेंगे या फिर अपने जानकारी में जैसे बढ़ोतरी करेंगे हो सकता है इस प्रकार के बच्चों में सामाजिक जो अभी असमंजसता है या सामाजिक भेदभाव है उसको हम दूर करने में स्वयं को सक्षम महसूस कर पाएंगे आगे हम देखते हैं कि मेडिकल रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें भी बहुत तरीके के सर्वल पॉलिसी के बारे में बात किया गया है अगर इस चित्र के माध्यम से आप देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके ये जो मस्तिष्क के कुछ पार्ट्स हैं इस पार्ट के आधार पर अगर ये पार्ट प्रभावित हो रहा है तो क्या आपको में समस्या आएगी ये पार्ट प्रभावित हो रहा है तो किस प्रकार की समस्या आएगी ये पार्ट प्रभावित हो रहा है तो किस प्रकार की समस्या आएगी ये पार्ट प्रभावित हो रहा है तो किस प्रकार की समस्या आएगी मतलब ये पूरा आपके मस्तिष्क के ही प्रभाव के कारण संभव है स्पेस्टिक्स में जो समस्याएं होती हैं सरबल पॉलिसी के 70 से 80 परसेंट जो बच्चे होते हैं इसी प्रकार की समस्या से प्रभावित होते हैं तो ये होता क्या है इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मस्तिष्क के मोटर कार्टेक्स के प्रभावित या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण शिशुओं शिशुओं की मांसपेशियां या तो बहुत अकड़ जाती हैं या फिर काफ़ी कमजोर हो जाती हैं इससे बच्चों के मांसपेशी का आपसी समन्वय बिगड़ जाता है जिससे उनकी शरीर से संबंधित सभी कार्य प्रभावित हो जाते हैं इसमें प्राय गले व मुँह की मांसपेशियों में नियंत्रण नहीं रहता है परिणाम स्वरूप चेहरे की मांसपेशियां लटक जाती हैं मुंह से लार टपकता रहता है बोलने में कठिनाई होता है इत्यादि प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं इस प्रकार की विकृति में 70 परसेंट बच्चे प्रभावित होते हैं आगे हम देखते हैं कि एथोइड में बच्चे के बसल गंगलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से बच्चों के अंगों की गतिविधियों पर काबू नहीं हो पाता है आप ये देख पा रहे हैं चित्र में कि मस्तिष्क का ये जो बसल गंगलिया पार्ट है यही प्रभावित होने के कारण बच्चे में जो उसके संतुलन की जो स्थिति है वो बना नहीं पाता है बच्चा अपने अपने अंगों पर संतुलन बनाने में सक्षम नहीं होता है आगे देख रहे हैं कि अटैक्सिया क्यों आता है आपके मस्तिष्क के किस भाग के प्रभावित होने के कारण आता है इसमें हम देखें कि मस्तिष्क का जो सेरेबिलम क्षेत्र है के संक्रमित हो जाने से बच्चों के शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है आप मतलब आपके जो मस्तिष्क का सेरेबिलम पार्ट है उसके संक्रमित हो जाने से बच्चों का जो शारीरिक संतुलन है वो बिगड़ने लगता है हाथ कांपने लग जाते हैं बोलने में भारी कठिनाई होती है अधिकांश बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो बच्चों में जिस प्रकार का एक तरीके से उनके हलन चलन से ले करके उनके सारे गतिविधियों को जो प्रभावित करते हैं वो कारण या सेरेब्रम के संक्रमित हो जाने के कारण होता है आगे हम देखते हैं कि इसका जो मिक्स सेरेब्रल पॉलिसी वाला जो सिम्टम है उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे में स्पास्टिक्स और एथेविड दोनों प्रकार के अगर सिम्टम मौजूद होते हैं तो इस प्रकार के बच्चों में मतलब एक तरीके का मिश्रित सेरेबल पॉलिसी हम कह सकते हैं जिसमें बच्चे के वो हर रूप प्रभावित होता है वो हर चीज़ें प्रभावित होती हैं जिसको हम अभी ऊपर के दो हिस्सों में समझने का प्रयास कर रहे थे हमें यही समझ में आता है कि जो सेरेबल पॉलिसी का बच्चा है वो किस प्रकार से उसको शैक्षिक रूप से सामाजिक रूप से या अन्य चीज़ों से उसे कैसे हम एक स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ समाज में कैसे हम व्यवस्थित करें या कैसे उसको हम समग, समाहित करने का प्रयास करें तो आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं अगर उसको हम एक सारांश के रूप में देखने का प्रयास करें तो आज हम सेरेबल पॉलिसी होता क्या है ये किस प्रकार से होता है सेरेबल पॉलिसी के बारे में सबसे पहले कौन बताया था सेरेबल पॉलिसी के कितने प्रकार बताए गए हैं और किस किस आधार पर बताए गए इन सारी चीज़ों को हम एक संगठित और व्यवस्थित रूप में आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किए मुझे आशा और पूर्ण विश्व विश्वास है कि आप उन चीजों को समझने में स्वयं को सहज महसूस कर रहे होंगे अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के किसी भी पॉइंट को लेकर के आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस मुद्दे को जरूर हाईलाइट करेंगे जिससे आपके जिज्ञासा को हम दूर करने का प्रयास करें अगर किसी मुद्दे को लेकर के आप में कोई समस्या है तो आप अपना स्नेह या सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ मैं यहीं पर इस टॉपिक को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद